हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी C67 5G फ़ोन है, तो रियल मी C67 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कैमरा आइकन्स है, तो कैमरा आइकन्स पे जाकर आप फुल स्क्रीन कैमरा का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैमरा सेटिंग्स पे जाकर और कैमरा फ्रेम को फुल साइज़ में करके फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे खींच सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि फुल स्क्रीन कैमरा का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ को फुल स्क्रीन में कैसे क्लिक कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपके पास इसमें ऑप्शन आता है कैमरा आइकन्स, तो कैमरा आइकन्स पे जाना है। तो टैप करते ही जो आपका फ़ोन का कैमरा है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो आपका फुल स्क्रीन कैमरा है उसका यूज़ कैसे करेंगे और फ़ोटोज़ को फुल स्क्रीन कैमरा में कैसे खींच सकते हैं, तो आपको उस पर जाना है सेटिंग्स पे। तो आपको इमेज क्वालिटी इस पर चले जाना है, जिस पे जाकर आप हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ को खींच सकते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं इसका यूज़ करते हैं, पर आप फ्रेम साइज़ को फुल साइज़ में कैसे करेंगे। तो आपके पास दो साइज़ आते हैं, 4x3 एंड 16x9। तो 16x9 करते हैं तो आपका इस तरीके से फुल साइज़ में फ्रेम आ जाएगा। जब आप फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से फ़ोटोज़ फ्रेम है, फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में शो करती है, जो इस तरीके से फुल साइज़ फ्रेम में शो करेगी। तो इस तरीके से फुल साइज़ फ्रेम में फ़ोटोज़ को आप खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो रिकॉर्डिंग भी फुल साइज़ में कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फुल साइज़ रिकॉर्डिंग भी आप कर पाएंगे। आप चाहें तो फ्रेम साइज़ को स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हैं, यहाँ से 4x3 फ्रेम कर सकते हैं, जो आपके स्मॉल साइज़ फ्रेम है कुछ इस तरीके से कैमरा फ्रेम में शो करेगा। तो इस तरीके से फुल स्क्रीन फ्रेम का आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोटोज़ भी खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।